हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग ओब्लिवियन स्टार। सो गाइस, आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये होगा बेसिकली मेरा नाइट टाइम रूटीन। मैं नाइट में क्या करती हूँ, मैंने नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ और मेरे के पजामे पहने हैं। ये हॉलीडे पजामा है जो मैंने स्पेशली खरीदा था अपने क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए, तो मैंने वो डाल लिया है। और उसके बाद मैं क्विक सा डिनर बनाऊँगी। आज एक बहुत लेजी डे है बिकॉज मेरी छुट्टी थी सैटरडे संडे और मंडे के, बिकॉज न्यू ईयर था और अब मंडे नाइट है, कल जाने की टेंशन है। जल्दी से क्विक सा डिनर बनाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्रिसमस ट्री जो मेरे घर में, मैं शेयरिंग में रहती हूँ बट बाकी लोगों ने लगाया था घर में, जो कितना अच्छा दिख रहा है। आइए गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ वो। सो देखिए, ये है हमारा क्रिसमस ट्री और ये है हमारा लिविंग रूम। कितना ऑसम है ना ये, यहाँ पे बैठने की वाइब भी अलग आती है और स्पेशली जब यहाँ पे कोई लाइट बंद कर देता है जैसे ऐसे, ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये यहाँ पे बैठना और टीवी एंजॉय करना। सो ये है हमारी शेयरिंग की किचन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कोई लगता है क्लीन द किचन मेस आफ्टर यूज प्लीज एंड थैंक यू, बट फॉर्चुनेटली सब बहुत अच्छे हमारे घर में क्लीन, हमारी किचन एकदम क्लीन रहती है। और हमारी अमीरी देखिए, दो दो एयर फ्रायर पर जल्दी से हम बनाते हैं अपने नूडल्स। सो ये है मेरी फेवरेट नूडल बुलडॉग और इसका येलो वाला फ्लेवर इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ हम बनाएंगे थोड़े से डम्पलिंग्स जो कि हैं वो भी बुलडॉग के, ये है मेरी फेवरेट, लव इट, ये हम बनाएंगे थोड़े से। सो गाइस, मैंने अपने हाथ धो लेंगे और मैंने वेजिटेबल्स भी धोनी है। मैं अपनी नूडल्स में प्रेफर करती हूँ बेल पेपर डालना और थोड़े से अनियंस डालना, तो आइए साथ में काटते हैं। मेरी कटिंग स्किल्स पे मत जाइए ना, मैं कनाडा में जब आई थी तो बहुत यंग थी, अब मैंने धीरे 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 काम करना यहाँ पर सीखा है। कहते हैं ना, सबको सिखा देता है कनाडा, सही बात है। मुझे ऐसे ऐसे पसंद है, थोड़ी थोड़ी पतली पतली और लंबी लंबी, तो फटाफट से मैं कट करती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने अपनी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, अब मैं निकालूंगी अपनी फेवरेट कढ़ाई कैबिनेट से जल्दी से। सो गाइस, हंसने की बात ये है कि मेरा ऑयल ख़त्म हो गया और मुझे यूज़ करना पड़ रहा है घी बनाने के लिए नूडल्स, बिकॉज यहाँ पे जब छुट्टी होती है न्यू ईयर वगैरह कुछ भी होता है तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह भी बंद हो जाते हैं, जो कि अच्छा भी है, मतलब लोग अपना सब इंजॉय करते हैं, मतलब अपन वो अपना भी फेस्टिवल इंजॉय करते हैं। आप इस ऑयल में डालते हैं अनियंस, इसके साथ जाता है बेल पेपर, वाह वाह कितना कलरफुल लग रहा है ना ये। और हम ऑन कर देते हैं चिमनी, हियर वी गो। अब इनको होने दो सिजल, मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी मोमोज के लिए। फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ स्टीमर में और इन्हें स्टीम करती हूँ। एक डॉलरामा से ये टूल मिलता है, ये ऐसे ओपन हो जाता है और आप इसे अपने यूटेंसिल में ऐसे रख सकते हैं। तो जब हमने अपना यूटेंसिल ऐसे रख दिया, हम लेते हैं अपना ब्रश और अगेन मुझे यूज़ करना पड़ेगा घी। तो फटाफट से हम घी लेंगे थोड़ा सा इस घी से और इसकी करेंगे हम ऑयलिंग, क्योंकि तो मोमो ना चिपक जाए हमारे, इसलिए। सो गाइस, मैंने ये डाल दिए नूडल्स कढ़ाई में एंड थोड़ी देर में जब ये हो जाएंगी सॉफ्ट, हम डालेंगे इसके मसाले और साथ साथ में क्लीनिंग करना भी बहुत नेसेसरी है, तो जल्दी से ये सारा गंद वंद साफ करते रहते हैं जब तक थोड़ी सी नूडल्स सॉफ्ट हो रही है और हमारे मोमोज हो रहे हैं स्टीम। सो गाइस, नूडल के साथ एक आता है चीज़ पाउडर और एक आता है बुलडॉग स्पाइसी वाले मसाला, फटक देने से हम इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिए हैं मैंने मसाले के पैकेट सारे, अब हम इसको होने देते हैं बॉयल जब तक नूडल्स अच्छे से पक ना जाए। सो ये गया हमारा लिड और देखते हैं मोमोज का क्या हाल है। सो हो रहे हैं स्टीम मोमोज पर, थोड़ा और करते हैं अच्छे तरीके से और यहाँ पे हमारी नूडल्स हो गई हैं तैयार। मुझे अपनी नूडल्स थोड़ी सूपी सूपी पसंद है, बिकॉज उसका सूप में ही मेन टेस्ट है। और वहाँ पे हमारी डम्पलिंग्स भी होंगे ऑलमोस्ट रेडी, बस इसमें डालते हैं चीज़ का स्लाइस, सो ये और बन जाए चीज़ी और टेस्टी। तो यहाँ पे हो गई है मेरी नूडल्स तैयार, यहाँ पे हो गई है मेरी मोमोज तैयार, फटाफट से हम इन्हें उठाएंगे। सो हियर इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट, मेरी रेमन एंड मेरी कोक इज राइट अप देयर, अब हम इसको इंजॉय करेंगे। गाइस, अब ये फूड मैं इंजॉय करती हूँ थोड़े नेटफ्लिक्स के साथ
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल एंड मैं जल्दी जल्दी ऐसे वीडियोस के साथ आती रहूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. हैव अ ग्रेट वन. बाय.